मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली को जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक जी। तो 14 अगस्त को मैं वीडियो शेयर नहीं कर सकी जिसके कुछ वजूहात की बिना कुछ वजूहात थी जिसके बिना पर मैं नहीं अपलोड कर पाई, और कुछ हमने इस तरह का ऐसा कुछ ख़ास किया भी नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर दी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, शेयर करना ही चाहिए, रिकॉर्ड हो जाएगा और मतलब मेरे चैनल की तरफ से भी एक वीडियो अपलोड हो जाएगी कि हमने भी कुछ हिस्सा डाल दिया जश्न आज़ादी में। तो इसी को सोचते हुए आज मैंने जो छोटे छोटे क्लिप मैंने उस वक्त बनाए थे वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बारिश की वजह से जो है हम कुछ भी ख़ास से शॉपिंग नहीं कर पाए, हर तरफ बारिश, इधर बारिश तो उधर बारिश, इधर कीचड़ तो उधर कीचड़, ये मसला तो वो मसला, हम नहीं बना पाए जिस तरह से बनाते हैं और जिस तरह से सोचा था वो सब कुछ भी नहीं हो पाया। और यूँ बच्चे जो है वो ज़िद करने लगे कि हमें कहीं जाना है, कहीं यहाँ वहाँ, तो ज़ाहिर सी बात है क्राउड इतना होता है, हम वहाँ पर भी मतलब कि PF म्यूज़ियम में हमारा इरादा था तो वहाँ पर भी नहीं जा सके, कायदे आज़म के मज़ार तो सोचा भी नहीं जा सकता था, म्यूज़ियम का था तो हस्बैंड कहने लगे अभी रास्ते ख़राब हैं, ये है वो है। तो अब इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपको कायदे आज़म का जो ये म्यूज़ियम बनाया हुआ है इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको कुछ ही दिनों में विज़िट करवाऊँगी, अपने आपके साथ शेयर करूँगी जो कि हम 14 अगस्त को नहीं शेयर कर पाए। तो बस ये छोटी सी वीडियो है जो आप देख रहे हो, मेरे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, कभी हम कहाँ जा रहे हैं कभी कहाँ जा रहे हैं, और ये मुख्तलिफ़ जगहों पर हम गए और जो जो जहाँ गए वो छोटी छोटी सी क्लिप बनाकर मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये सभी देखते होंगे, सब जानते हैं हिल पार्क, हम लोग पहाड़ी पर गए थे और पहाड़ी पर चढ़ के हमें कराची का इस तरह से व्यू देखना था, और यहाँ पर हमारी याद ताज़ा हो गई बहरिया टाउन की, हम बहरिया टाउन गए थे तो इसी तरीके से ऊंचाई पे खड़े हो के हम लोगों ने बहरिया टाउन का विज़िट किया, उसको देखा। तो बस मैंने हस्बैंड को कहा कि क्यों ना हम पहाड़ी पर चलते हैं और पहाड़ी पर चढ़कर कराची का ख़ूबसूरत नज़ारा करते हैं इतने ख़ूबसूरत मौसम में, और हम चले गए, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, कुछ चेंज लगा क्योंकि हर तरफ क्राउड है क्या करते। तो ये सोच बहुत अच्छी थी और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया पहाड़ के ऊपर खड़े होके, और यहाँ पर देखें ग्रीनरी कितनी कोई ख़ूबसूरत लग रही है ना, बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत है, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, मेरा दिल बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा था। तो इस तरीके से आप भी देखिए और इंजॉय करें हमारे साथ। अच्छा, हमारे घर कहाँ है हरीम फातिमा? हाँ जी जी है, हरीम के कारनामे देखिए, हरीम कहाँ चली गई, इतनी नीचे से इतनी ऊपर, हरीम क्या नज़र आ रहे हैं आपको जी? चलो हरीम कराची देख रही हो? हाँ नज़र आ रहे हैं कराची, बाय बाय कर दो, बाय बाय। और यहाँ पर हम लोग हरीम फातिमा को फ़र्स्ट टाइम देखकर आए थे हिल पार्क में, और यहाँ पर हर तरफ पठान भाई ही पठान भाई थे, और वो इतने कोई कमाल तरीके से सेल्फ़ी ले रहे थे कि बहुत हंसी आ रही थी। अब यहाँ पर हम लोग बच्चों को ले आए, चूँकि वहाँ पर तो सिर्फ पहाड़ी का विज़िट करना था, कराची को देखना था, देखकर आ गए। अब हम यहीं पर अपने ही एरिए में ये पार्क बना हुआ है जहाँ हम अक्सर जाते हैं और आपके साथ वीडियो शेयर भी करते हैं, वहीं पर चले गए, और ये ख़ूबसूरती का मंज़र आप देख सकते हो, कितना कोई ख़ूबसूरत मौसम, इतनी प्यारी प्यारी ग्रीनरी देखने को मिल रही थी और क्राउड बिल्कुल नहीं था यहाँ पर। तो फंक्शंस वगैरह दिखाते हैं हम बच्चों को, लेकिन पानी इस कदर था, कीचड़ इतना था, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था, फिर 14 अगस्त को क्राउड इतना होता है हर जगह, तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चों को समझा समझा के ऐसे ऐसे जगहों पर लेकर जा रहे थे। और बस हाशिर साहब ज़िद कुछ कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, मैं उनको घर ले आई और हम खाना नहीं खा सके, खाना फिर हमने घर में ही मंगवा लिया था ऑर्डर दे के। खूबसूरत मौसम हो रहा है, आज 14 अगस्त है और हम लोग आ गए हैं घूमते घुमाते कोकन पार्क। पहले
हमारा शोर को कहीं भी शोर सुनने का कोई मूड नहीं था। पीएफ म्यूजियम हाँ। ओ बाबा बाबा जो इनके फ्राइज लेने गए हुए वो रहा एंट्री गेट मेरे बैग पे, और हम लोग यहाँ पर हैं। और ये ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है हाशिर, ये देखो हाशिर ग्रीन ग्रीन कितना अच्छा लग रहा है ना। आप बोलो कैमरे में बोलो। ऐसे आपका वाइट सूट ना खराब हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रास की जो कलर है ना ये आपकी शलवार पे लग जाएगा, ट्राउजर पे लग जाएगा। ऐसे नहीं करो जड़ के साथ। स्टार्ट हरीम फातिमा जीत गई। तो बस मैं यहाँ पर साइड लेना दिलाने के लिए हरीम फातिमा को लेकर यहाँ पर आ गई हूँ उनको। तो बस ये थी मेरी मुख्तसर सी वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की। ज़रूर लाइक करो, कमेंट करो और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।